तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बड़ों को मेरा पहला छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आप सब ठीक ही होंगे, मैं भी बढ़िया। मेरे खबर है बिस्ट, आपका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग पे। तो ब्लॉग के साथ रही सुबह 7:30 बजे से। तो गाइस आज ना बहुत खिलखिलाती अच्छी धूप आ रखी है। तो परसों को ना मतलब कल और परसों लगातार बारिश थी यहाँ को, और अच्छा मौसम भी होता है, एकदम ठंडा ठंडा वाला, गर्मी नहीं हुई अब। तो गाइस ना आज ब्लॉग का मतलब बनाने का मकसद ये है ना कि आज आ रही है बरधाई, मतलब बुआ की, मतलब बिस्ट की बुआ की बरधाई आ रही है। तो आज उनका पूरा परिवार यहाँ आएगा, मतलब यहाँ को बधाई का मतलब होता है मंदिर में पूजा देना और बकरी बकरी कटती है यहाँ को। जैसे मैंने आपने मेरा एक पिछला वीडियो भी देखा होगा, जो कि हमारे रिश्तेदार में एक बुआ लाई थी यहाँ को, इसलिए तो आज हमारी यहाँ की मतलब सगी बुआ आ रही बधाई देने के लिए। तो आप ब्लॉग पे बने रहेगा, क्या क्या तैयारी होती है आप लोग को शेयर करेंगे। तो आइए फिर आप ब्लॉग पे बनिए। अभी तो मेरे को नहाना धोना करना है, फिर बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ पे मैंने ना मांस पीस रखा है बड़े बनाने के लिए, और बाकी आधा अधूरा काम हो चुका है, बाकी अब नहाने के बाद वाला काम करना है। तो आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पे ना मैं नहा धो के आया हूं ना, आज मैंने धोती पहनी हुई है, मतलब कि आज घर में पूजा है ना, तो इसलिए मेरे को सूट नहीं पहना था, तो इसलिए मैंने धोती डाल दी थी, क्योंकि शोभा भी होता है ना साड़ी पहनना, इसलिए। तो ना यहाँ पे मैंने मम्मी की धोती मांगी थी मेरे को हल्की सी, क्योंकि मैंने सब साड़ी टाइप की थी ना, इसलिए मैंने बोला कि मम्मी को मुझे अपनी कोई साड़ी दे दो धोती टाइप की, इसलिए। तो फिर गाइस जो बुआ लोग है ना वो आ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एक गाड़ी तो आ ही चुकी है, बाकी दूसरी गाड़ी फिर आएगी मतलब शायद। तो आप ब्लॉग पे बने रहेगा, और बाकी ना सारे आधे लोग तो आ ही चुके हैं, तैयारी होने लगी है खाने पीने की। तो आप ब्लॉग पे बने रहेगा। तो गाइस ना बुआ लोग भी पहुंच गए, इनकी पूरी फैमिली। नहीं हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो पहला खुश रहो बाबू खुश बाहर पहला क्या भाई माला खाई किसकी ऐसे ही माला बाबा खा के कहीं नहीं लग रहा तभी तो कह रही बैठो ना आप लोग अंदर चलो फिर नहीं तो ना तू तो पढ़ने जा रहे फिर जो सुनो तो वो खाली जो अगरबत्ती और थोड़ा तेल दे देना उन्होंने बहुत होती भूमि से धान के दीजिए ठीक है फिर तैयारी करो अपने ठीक है और ये अगरबत्ती लगे थाली लाया बेटा की थाली भी लाया हाँ सर वही छोड़ना था तुम वो तो अपने आप छोड़ेगा पुजारी तुम्हें कोई मतलब नहीं है ठीक है पिटाई तुम्हें धुनी के मंदिर में चावल के दाने सब लोग आओ प्रियांशु वो गिरा देगा सब बहुत तेज है वो हाँ आ गए पूरे नहीं आ रखे अभी चार ऊपर के दो नीचे के तू पाव तो फट गया तो
तो गाइस ये है ना हमारी बुआ, मतलब कि सबसे बड़ी वाली बुआ है हमारी। वाह हेलो बोलो, सबको हेलो बोल दो कैमरे में देख के, हेलो हाथ करके ऐसे। अरे हेलो हेलो बोल रहे। तो ये वो है ना, वो आप कितने दिन में आए हो यहाँ, कई सालों में, कितने साल बाद आ रहे हो? नहीं पता, साल कितने साल में आ रहे बुआ यहाँ, कितने साल में आ रहे हैं? जब हमारी शादी हुई ना, उस साल जो साल में ब्याह हुआ, तुम तली होगा बाबरे। तो बुआ जब से मम्मी लोग की शादी हुई ना, तो तब से बुआ आज आ रखे हैं अपने मायके, तो इनको कितना अच्छा फील हो रहा होगा ना गाइस। तो गाइस अभी ना सब लोग मतलब बकरी वकरी बरकने के बाद तो एक मंदिर गुलजी थान गया, गंगनाथ मंदिर मतलब, और एक गंगनाथ और एक गुलजू और एक अमाबो के थान ना, तो अभी यहाँ मतलब दादा लोग लेके गए हैं, और बाकी गुलजू थान का मतलब घर पे आएंगे, और गंगनाथ का ना वही बनेगा, तो ऐसा होता है। तो गाइस आपको कैसा लगा ना यहाँ का मतलब पूजा पाठ का, अच्छा तो कमेंट करके जरूर बताना उस टाइम पे। तो अभी ना गांव के जितने को हमें निमंत्रण दे रखा ना, तो अभी आएंगे सब, पूरी हो जाए तब उसके बाद बनेगी, तो आप ब्लॉग पे बने रहेगा। तो आइए फिर, ये तो क्यों इनको नहीं बनाया था क्या, लगड़ बनाने नहीं बोला था क्या? ठीक कर रहा है फिर, तभी तो अब सब आप ही बना, सब आपका ही है वो। तो गाइस ना काफ़ी सारी पूरी बनाने के बाद मतलब जो अम्बुबू का मंदिर होता ना, तो हम लोग गाँव के ना सभी लोग वहीं पर जा रहे अभी, मतलब आधे लोग वहाँ चले गए थे बकरी लेके, तो खाने के लिए बुला रहे थे, तो हमने सोचा ना हम भी चले जाते हैं खाने के लिए घर पे, तो और अलग से खाएंगे अभी ना। तो अभी ना दीदी लोग सब लोग जा रहे थे, तो मैं पीछे से जा रही क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लाना ना घर से, इसलिए समझ गए होंगे क्या सामान था कर। तो आइए फिर कुछ ले चलती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो और लोग सब पानी वानी लेके जा रहे हैं, हम वहाँ जाके भुटवा खाएंगे और क्या कहते हैं पंचोला। तो गाइस हम पहुँच गए अम्बुबू के थान, तो गाइस यहाँ पे ना भुटवा और पंचोला, सॉरी पंचोला है पूरी और पंचोला, और ये है मटन, आप देख सकते हैं। तो बढ़िया, तो आप जम्मू का जाओ मम्मी।
तो वैसे यहाँ पे ना हम लोग तो वैसे ना हम मामा बाबू के थान से खा खो के ना अब आ गए घर पे। तो यहाँ पे घर पे ना जो मंदिर से बकरी आती है ना वो बनाने की बारी है। बाकी मैं यहाँ ना रोटी बना ली जेठ जी के लिए, क्योंकि ना वो बार भी चूल्हा लगाए पे नहीं खाते इसलिए। और चलो थक लगे ना सब पेट भर के खा दिया, मेरा पेट डम हो चुका है मेरा। तो कैसे तो चलो फिर फटा रोटी बनाते हैं, मौसम अजीब सा लग गया। तो आइए फिर आप लोग भी बढ़िया रहेगा। अब लोग ना जो मतलब वो वाला जो जिसने बर्दा लिया इतना, तो अब उनके परिवार वाले खा रहे हैं अभी खाना। तो वैसे अब लोग अब बारी ना मतलब गांव वाले जो मतलब गया था ना वो लोग खाने के लिए आते हैं। तो ना के लोग ना मतलब घर कोई कोई घर पे लेके जाते हैं। होते हमारे कठोर सारी हो आधे रहना। आ जरा डाइट काम करना फोन बस नहीं करो अपना पहला पहला पर फोन में आवाज नहीं हो जा ठीक है तब चलो बेटा चलो। तो गाइस पूजा बहुत अच्छे से निभ गई थी, बहुत अच्छे से बहुत अच्छी रही पूजा मस्त वाली। और मतलब जो वहाँ से आए थे ना वो लोग तो चले भी गए थे क्योंकि रुकते नहीं ना उस दिन पूजा देने के बाद, रुकते भी नहीं। और वो यहाँ से कुछ लेके भी जाएंगे मतलब बकरी बकरी मतलब जो भी मटन वटन है कुछ भी नहीं लेके जाते, पूरी हलवा प्रसाद कुछ भी नहीं लेके जाते, खाली आ जाते हैं। बाकी यहाँ के लोग यहाँ को मतलब हम गांव लोग खिला देते हैं ऐसे करके। तो पूजा बहुत अच्छे से रही मतलब आनंद पूर्वक मतलब ऐसे करके। तो आज थकान भी इतनी भयंकर हो गई ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चलते चलते मेरे पैर में दर्द होने लगी है, वो तो इसलिए बहुत ज़्यादा थकान गया। अभी दक्ष भी सो चुका है, अब बारी मेरी सोने की। तो बाकी सब ठीक रहा, बस मैं ही थक गई हूँ गाइस। तो मैं अब रेस्ट करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी रेस्ट करिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।